20 मिनट रुक जाओ। तुम्हारी कानों में रुई है क्या? क्या है? इतनी देर से नॉन स्टॉप हॉर्न कर रही हूँ, गाड़ी रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सर, वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगी। तुम्हारी नानी ने मुझे जुबान दिया सर। कम से कम अपनी नानी की जुबान का तो मान रख लो। राज, मैं यहाँ अपनी नानी की डोटी बन के नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी बोटी की हैसियत से आई हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज अपनी गाड़ी रोको। मैं फोन रख रहा हूँ सर। तो मैं दोबारा कॉल कर लूंगी, और एक बात तुम अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर मुझे तुम्हारे साथ जर्नलिस्ट तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। सर मैं बता रहा हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो, वरना मैं। वरना क्या बोलो? वरना मैं गाड़ी आगे तक खाई में लेके जाऊंगा, सच में जहन्नुम चला जाऊंगा। आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सर तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। And you know what? अब तो मैं यही करूंगा। प्लीज राज, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी धीरे चलाओ। क्या कर रहे हो? ध्यान से चलाओ प्लीज। आगे फोन काट दिया। बाबा जी, अगर ये मेरा अंत है तो मुझे माफ करना। मैं सिर्फ शहर का नाम लेना चाहता हूँ। I love you sir। काश हम साथ रह पाते सर, लेकिन किस्मत कोई मजबूरी रही। सचिया तुसी की कर रहे हो अभी जी? मैनू अपनी वोटी नू छड़के जा रहे हो तुसी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा?
ऐसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं ऐसा तुम सोचते हो। नहीं सर, ऐसा मैं जानता हूं। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं इसलिए सर बेचारा हूं तुमसे दूर, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। तुम मुझसे दूर जा रहे हो राज? नहीं, दिल से धड़कन कभी दूर हो ही नहीं सकती। मैं भी चल रही हूं तुम्हारे साथ, साथ जिए अब मरेंगे भी साथ ही। नहीं नहीं सर, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम ऐसा सर। चल राज, मैंने भी ले चल अपने नाल। नहीं, नहीं। सर तुम जाओ प्लीज। चुप हो जाओ। शायद हमारी कहानी यही तक थी। प्लीज चले जाओ तुम। नहीं राज, ऐसा नहीं है। सर तुम कभी मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो राज, सब ठीक हो जाएगा। राज कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बस थोड़ी देर। सर प्लीज तुम जाओ। मैं कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं। सर प्लीज तुम जाओ। सर राज, राज तुम फिक्र मत करो, बस बस थोड़ी देर और। प्लीज तुम जा। राज प्लीज प्लीज मुझसे बातें करो, सोना नहीं है। हाँ टॉक टू मी, जस्ट टॉक टू मी प्लीज। Thank you.
सर तुम क्या कर रही हो, मेरी बात क्यों नहीं बात हो तुम? सर प्लीज चली जाओ यहाँ से। सर क्यों पीछे पड़ी हो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। सर सर कुछ होगा तो विराज। प्यार से बात क्यों नहीं हो सर तुम? उठी हूँ मैं तुम्हारी, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। बस हो गया, दो मिनट और आज। सर प्लीज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी। सॉरी राज। ठीक हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक कैसे नहीं हो गए तुम? कपड़ जो चुप रहना तो तुमने सीखा ही नहीं है। चुप चुप था पुरब्बा। बस थोड़ी देर और। हाँ हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। बड़ी मेहरबानी है वीजी। बैंड प्राग के आगे हाथ नहीं जोड़ती, ये तो सारा फर्ज सी। प्रूफ, वीजी की बेगुनाही का सबूत। वीजी की बेगुनाही का सबूत। राज, कुछ नहीं होगा राज। बात गलत किया ना, आपको राज को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, ना ही मुझे रोकना चाहिए। उधर वो नानी, अगर आप मुझे ना रोकते ना, मैंने राज को जाने नहीं देना था। आपको पता है कितनी तेज गाड़ी चला रहा था वो, सुन ही नहीं रहा था वो मेरी। आपने बहुत गलत किया ना। ये तो क्या कह रही है सहर, राज की जान जा सकती थी आज। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं राज को मुझसे ऐसी क्या नाराज की है। आपका कोई तो वजह है, और वो वजह मुझे जाननी है। मैंने भी अपनी जान दे दी थी। ना सर, ऐसे नहीं बोलते। ऐसी क्या बात है जो उनसे दूर जाना चाहते? कोई वजह है, कुछ तो है, और वो वजह मैं पता लगा के रोकती। हिजर विच घुलसी
किसकी नजर लग गई है मेरी फैमिली को, मेरे कारण विराज उधर वीर जी। हे सच्चे बादशाह, ऐसा क्या गुनाह किया है कि अस्पताल के चक्कर खत्म ही नहीं होते? अपनी बख्शीश हम पर करो, सतनाम वाहे गुरु। अभी तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया? सिस्टर, ये सब क्या हो रहा है? आप देख रहे हो ना कि पेशेंट का खून नहीं रुक रहा है, तो अभी तक इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू हुआ है? डॉक्टर कहाँ है? मैम, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पूछा डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक पर, तो सारे पेशेंट्स का क्या होगा? मेरे हस्बैंड का क्या होगा? प्लीज कुछ तो कीजिए, कोई तो डॉक्टर होगा, प्लीज मेरे हस्बैंड की हेल्प करिए, प्लीज। सॉरी मैम, अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल होता तो हम जरूर बुला लेते, लेकिन सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं।